एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह के बज गए हैं अभी 11, दोपहर ही होने वाली है और मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी और उनका स्कूल में था पेटियां। मैं वहाँ गई थी, अभी आई हूँ। तो बस अभी फटाफट से मैं अपने घर के काम जो है मुझे वो करने हैं ख़त्म, और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया और काफ़ी दिन बाद फिर से मेरा ब्लॉग आएगा। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँ। तो चलिए जी, आप मेरे साथ बने रहिए, ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडरूम के अंदर। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैंने बच्चों को नहलाया था क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। आज बच्चों का पीटीएम है तो स्कूल जाना है। तो बस मैं यहाँ पे पहले जो है रात को जो भी रज़ाई वगैरह ब्लैंकेट लेते हैं इसको फोल्ड करूँगी। और आप बेड का हाल देख सकते हैं क्योंकि जो है बच्चों को नहलाया था, टॉवल वगैरह सब सामान ऐसे पड़ा हुआ है। तो बस अभी ये भी उठा के रखना है। तो बस धीरे धीरे जो काम होते हैं, सुबह की शुरुआत होती है वो मेरी ऐसे ही होती है। तो बस आज छुट्टी थी तो बच्चों को सोचा आज ही गर्म पानी करके अभी नहला देती हूँ। तो बस उनको नहला के हटी हूँ अभी। तो फिर अभी जो है मैं बाकी के सारे काम जो है अपने वो भी कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। बच्चों को जो है मुझे स्कूल जो है लेकर जाना है और उससे पहले जितना मैं काम अपने कर सकती हूँ वो मैं करूँगी और बाकी घर जितना मर्जी मैनेज कर लो। मैंने बोला है आगे भी कि मेरे बच्चों के साथ मेरा घर जो है बहुत फैल जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी मेरे घर की क्लीनिंग हो पाए, साफ़ हो पाए, वो उतना अच्छा रहता है। तो बस सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी, बेड वगैरह की चद्दर जो है अच्छे से सेट करके मैं वो बिछा लेती हूँ और फिर दूसरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। और क्या हुआ था कि जब मैं ब्लॉग बना रही थी लाइट भी चली गई थी, लाइट फिर हमारी आई है शाम को। कभी कभार ऐसा होता है लाइट का कट लग जाता है, वैसे तो नहीं होता है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट का कट जो है अच्छा खासा जो है लग जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना चद्दर वगैरह सेट करके अच्छे से बिछा लूँगी। पहले अच्छे से जो है चद्दर वगैरह सेट हो जाए और फिर उसके बाद जो है मैं बेडरूम की क्लीनिंग के बाद जाऊँगी दूसरा रूम को सेट करने के लिए। तो यही मेरे डेली के रूटीन और हर दिन का यही मेरा काम होता है। और मुझे जब मैं सुबह एक बार उठती हूँ 6 बजे, उसके बाद जो है मेरा दिन कब होता है, रात कब होती है कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि काम इतने होते हैं सारा दिन कर लो तो भी ख़त्म नहीं होते हैं, घर के काम तो इतने होते हैं। और आजकल मौसम चेंज है तो मुझे भी खांसी वगैरह हो रखी है और बेटे को भी कोल्ड का, मौसम की वजह से जो है सारा मतलब तबीयत ख़राब चल रही है। तो इसलिए ब्लॉग भी मेरे आजकल नहीं आते, थोड़ा मोटा मूड भी अपसेट है इस वजह से भी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कुछ चद्दर वगैरह बिछा दी थी तो कुशंस वगैरह पिल्लो वगैरह सब में, और मैंने चद्दर के जो साथ के कवर हैं वो नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे ये था कि मैं अभी रेडी होकर एक बारी बच्चों के स्कूल जाऊं, फिर उसके आने के बाद बच्चों के स्कूल के आने के बाद बाकी के काम मैं सेट करूंगी। तो यहाँ पे बेटी को ही कुछ बोल रही थी मैं, और बस ये होता है कुछ मुझे उसको मैं कुछ मतलब दोनों कुछ कर रहे थे तो उसको मैं गुस्से में डांट रही थी, बात नहीं सुनते हैं कभी कभी, बच्चों को डांटना भी पड़ जाता है तो ऐसा है। और यहाँ पे ये वाला मैंने सोचा था कवर में अभी चढ़ा देती हूँ लगे हाथ, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। पीटीएम का टाइम होता है लास्ट 11 बजे तक था इस वजह से, और यहाँ पर इसको पड़ गई थी डांट मुझसे तो ये इसलिए यहाँ पर रो रही है। और इसका टेस्ट था बेटी का, तो इसको मैं बोल रही थी याद कर लो बच्चे, ये होता है कि कभी कभार बातें नहीं मानते, और इसको गुस्सा आ रहा था मेरे पे, मुझे मतलब डांट दिया मैंने इसलिए। तो बस अपना जो है इसको मैंने बोला टेस्ट याद कर लो, क्योंकि ट्यूशन में भी उसको टेस्ट वगैरह मिलते हैं याद करने के, तो मैं उसे बोल रही थी वो याद कर लो। तो बस वही वो अपना याद करने के लिए बैठ गई थी, और बाकी मैं स्कूल से आ चुकी थी और उसके बाद जो है मैंने इसको सीधा पढ़ने के लिए उठा था। कुछ कपड़े थे इधर उधर फैले हुए मैंने फोल्ड करके रखे। अलमीरा का आप हाल देख सकते हैं, अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं डेली के जो हैं पहनती हूँ, और बस मतलब डेली के हो गए और जितने भी आजकल सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बाहर हमारे आपको हर जगह कपड़े दिखेंगे, जगह कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, पर कोशिश यही रहती है कि जितने मैं मैनेज करूँ इसमें रख पाऊँ तो रख पाऊँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलमीरा का ना बीच में ऐसे कबर्ड नहीं बने हुए कि ऐसे होता ना एक लाइन में उन बच्चों के रख दिए कि मैं अपने रख दिए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सेटिंग नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पर जो है मैंने कपबोर्ड के अंदर जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सब का सेट करके लगा दिए थे, ऑलमोस्ट जो सेट हो चुके थे। और उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि बाकी सारे जितने कपड़े जो भी मुझसे सेट बैठ रहे थे अपनी अपनी जगह पे मैंने ये रख दिए थे। मैंने सोचा पहले मैं अपना बेडरूम ही अच्छे से सेट कर दूँ, बाकी के काम जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उस रूम में तो जाने का तो ही फायदा, एक कमरा जो है सेट कर लूँ तो इन्हीं चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर बच्चों ने देखिए हर चीज़ का कितने कपड़े हैं, क्या क्या हाल किया हुआ है।
तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जो है मेरी मेहनत लग जाती है। तो बस ऐसा ही है, घर के छोटे मोटे काम आप जितने भी कर लो ना तो वो कभी ख़त्म नहीं होते और काम आपके बढ़ते ही रहते हैं। और इसमें कुछ कपड़े थे निकालने वाले धोने वाले, वो भी मैं अपनी जगह पर ही रख रही हूँ, और साथ साथ में जो है जो कपड़े अपने सेट करके जहाँ रखने हैं वो भी मैं वहीं पे ही रखती रही हूँ। तो बस यहाँ पर ऐसा था, और मुझे ये था कि मेरा काम जो है ना फटाफट से एक बार ख़त्म हो जाए। और कभी कभार ऐसा, और आजकल के दिन ऐसे चल रहे हैं, लेज़ीपन सा आ गया, तो ना सर्दियों का मौसम कुछ भी जैसे कि करने का मन नहीं करता है, और जब ठीक ना हो तब कुछ भी नहीं। अभी ड्रेसिंग टेबल मैंने अभी सेट किया था, ये भी थोड़ा सेट करने वाला है, तो देखते हैं कब मैं सेट करूँगी कब नहीं सेट करूँगी। तो फ़िलहाल जो है मैंने बेडरूम जो है सेट मेरा हो गया था, मैं अब दूसरे रूम में आ गई थी, तो इधर हमने चारपाई लगा रखी है, इसमें जो हस्बैंड सोते हैं तो ये भी मैंने सेट करके बिछा दिया था। सोफ़ों के कवर वगैरह थे वो भी मुझे सेट करके लगाने थे, तो वो भी मैं लगा दूंगी। और बस आप मेरे साथ बने रहिए।